नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे केएल राहुल जो हैं वो आउट होते ही पूरी तरह से डर गए थे और उनको लग रहा था कि कहीं उनकी टीम ये बना बनाया मैच और एक ऐसा मैच जहां से उनकी टीम क्वालिफाई कर सकती है वो मुकाबला हार ना जाए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कल केएल राहुल आउट हुए और उसके बाद केएल राहुल काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे, लेकिन अंत में वो हुआ जो केएल राहुल की टीम चाहती थी और उनकी टीम जीत ही गई। जी हाँ, आपको बता दें कल का जो केएल राहुल का विकेट गिरा दोस्तों वो बेहद ही ज्यादा खतरनाक रहा और केएल राहुल आउट होते ही बहुत ज्यादा निराश हो गए। ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल रो देंगे और तो और क्विंटन डिकॉक, जिसकी वजह से केएल राहुल रन आउट हुए, वो भी बहुत ज्यादा निराश नजर आया। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्विंटन डिकॉक केएल राहुल के आउट होते ही बीच ग्राउंड पर बैठ गए और अपना सर पीटने लग गए। इसके अलावा वो अपने बैट को सर पर रख चुके थे और लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा निराश है, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो चलिए हम बात करते हैं कि किस तरह से कल केएल राहुल आउट हुए और फिर बात करेंगे किस तरह कल का मुकाबला रहा। तो दोस्तों, कल देखने को मिला कि केएल राहुल और जब क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करने के लिए आए थे, अभी लखनऊ सुपर जायंट्स के सिर्फ और सिर्फ 2 ही रन बने थे और पहला ही ओवर था। जब पहले ओवर की जैसे ही 5वीं गेंद फेंकी गई, तभी क्विंटन डिकॉक ने केएल राहुल को रन लेने के लिए बुला लिया और केएल राहुल तुरंत ही भागते हुए लगभग आधी पिच पर पहुंच गए, लेकिन इसके बाद क्विंटन डिकॉक ने आने से ही मना कर दिया, जिसके बाद केएल राहुल को वापस आना पड़ा और तब तक फील्डर ने गेंद को उठाया और डायरेक्ट स्टंप पर मार दिया, जिसकी वजह से केएल राहुल रन आउट हो गए और केएल राहुल को ना चाहते हुए भी बिना एक भी गेंद खेले 0 रन पर ही आउट होकर के और जाना पड़ा। इसके बाद जब क्विंटन डिकॉक ने देखा कि केएल राहुल उनकी वजह से आउट हो गए, तो क्विंटन डिकॉक बहुत ज्यादा निराश नजर आए और क्विंटन डिकॉक ने फिर उसके बदले में केएल राहुल की टीम के लिए बेहद ही शानदार अर्धशतकीय पारी भी खेली। डिकॉक ने अपनी पारी में सिर्फ 29 गेंदों पर 50 रन जड़ दिया। अपनी पारी में इन्होंने 4 चौके और 3 छक्के भी जड़े। बात करें अगर पूरे मुकाबले की, तो जी हां, आपको बता दें लखनऊ सुपर जायंट्स ने बेहद ही शानदार कल प्रदर्शन किया। कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने गिरते पड़ते ही सही, लेकिन 176 रन बना दिया और लग रहा था कि 176 रनों पर भी मुकाबला जो है वो टक्कर का होगा, लेकिन केएल राहुल की कप्तानी और सूझबूझ की वजह से कोलकाता नाइट राइडर एलएसजी के सामने पूरी तरह से ढेर हो गई और कोलकाता नाइट राइडर देखते ही देखते पूरी तरह से ढह गई। पहले तो बाबा इंद्रजीत 0 पर आउट हो गए, फिंच 14 रन बनाकर, नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर कोई भी बल्लेबाज ज्यादा कुछ खास कर ना सका, कोई 10 तक भी ना पहुंच सका। इसके अलावा आंद्रे रसल एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 19 गेंदों पर 45 रन बनाया, तो वहीं सुनील नारायण ने 12 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेली। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, कल देखने को यह मिला कि केकेआर और लखनऊ के बीच में जो मुकाबला रहा, वहां पर लखनऊ की टीम इस मुकाबले को पूरे 75 रनों से जीत गई। बात करें अगर लखनऊ की गेंदबाजों की, तो जैसन होल्डर और आवेश खान ने कल बहुत शानदार गेंदबाजी कराई और 3-3 विकेट लिए, जबकि मोहसिन खान, दुष्मंता चमीरा और रवि बिश्नोई को एक एक सफलता हाथ लगी है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।